उसका साथ पड़ेगा भारत को भारी। अमेरिका कर रहा क्वाड से हटाने की तैयारी। भारत का बाउंसर नहीं समझ पाएगी अमेरिकी सरकार। क्वाड पर हो जाएगा आर या पार। यूक्रेन पर भी ध्यान दो बाइडेन सरकार। सर्बिया के साथ मिलकर रूस कर देगा बेड़ा पार। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और भारत के रिश्ते थोड़े तल्ख हो गए हैं, लिहाजा अमेरिका कुछ ऐसा करने की सोच रहा है जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन ये उसे भारी पड़ सकता है। अगर उसने गलती से भी ये कदम उठा दिया तो भारत उसके खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार करेगा जिससे उसकी बैंड बच जाएगी, उसके मंसूबों की ऐसी वाट लगेगी कि वो चारों खाने चित हो जाएगा और बाप बाप चिल्लाएगा। पीएम मोदी की मार ही ऐसी होती है कि सामने वाला समझ नहीं पाता और आखिर वार हुआ कहां से है। रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत के जिस रुख को लेकर अमेरिका भड़का है, उससे भारत को कुछ उखड़ने वाला नहीं है। अभी तो रूस ने अकेले ही उसकी नाक में दम कर रखा है। अगर भारत भी उसके साथ मिल जाएगा तो फिर अमेरिका का क्या होगा वो सोच भी नहीं सकता। प्रतिबंधों को जिस हथियार से वो दूसरे देशों के पैरों में बेड़ियां डालता है, वो उसके लिए ही भारी पड़ने लगेगी। भारत की ढाल के बाद रूस का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। और अगर अमेरिका को सबक सिखाने के लिए चीन भी खुलकर मैदान में आ गया तो बाइडेन की पुंगी बजन आते हैं। चीन ने यह दिखा भी दिया कि वो रूस को प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से मदद जरूर करेगा। सर्बिया को घातक हथियारों को सप्लाई कर चीन ने यह साबित भी कर दिया है कि वो अमेरिका की हेकड़ी निकाल कर रहेगा। दोस्तों, सोचिए अगर रूस, भारत और चीन एक हो जाएं तो दुनिया की कोई भी शक्ति इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अमेरिका को भी ये बात समझने की जरूरत है कि पीएम मोदी कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो अमेरिका को दोस्त बना सकते हैं तो चीन से भी रिश्ते सुधार सकते हैं और उसे अमेरिका के सामने खड़ा कर सकते हैं। लिहाजा अगर भारत को लेकर वो कुछ ऐसा करने की सोच रहा है जो उसे हिंदुस्तान को गवारा नहीं है तो ये उसके लिए भी महंगा सौदा साबित हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे सुनने और देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि अमेरिका इतना बड़ा धूर्त हो सकता है। वो भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर सकता है, लेकिन अपनी साजिश को वो अंजाम दे इससे पहले ही चीन ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है। रूस के करीबी सर्बिया के पास चीन की घातक मिसाइल। सर्बिया में चीनी मिसाइल से टेंशन में पूरा यूरोप। दोस्तों, यूरोपीय देश सर्बिया ने हाल ही में चीन से खरीदी एंटी एयरक्राफ्ट HQ-22 मिसाइलों की नुमाइश की है। सर्बिया ने चीनी मिसाइलों को दिखाने के लिए बाकायदा जनता और मीडिया को राजधानी बेलग्रेड के पास बटंस्का मिलिट्री एयरफील्ड में आमंत्रित किया था। इस एयरफील्ड में चीन के HQ-22 मिसाइल सिस्टम को फ्रांस से खरीदी गई मिसाइल हेलीकॉप्टर्स, चीनी सशस्त्र ड्रोन और रूसी लड़ाकू जेट विमानों के बगल में खड़ा किया गया था। इस दौरान सर्बियाई वायुसेना के MiG-29 लड़ाकू विमानों ने एयरशो भी किया। इन विमानों को 2017 में रूस ने दान दिया था। चीनी मिसाइल सिस्टम की खरीद से सर्बिया के पड़ोसी देशों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। बाल्कन देशों ने एक साथ कहा कि चीनी हथियारों की मौजूदगी से इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरा हो सकता है। वहीं राष्ट्रपति वोसिक ने पड़ोसी देशों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि चीन से खरीदा गया मिसाइल सिस्टम किसी के लिए भी खतरा नहीं है, यह सिर्फ संभावित हमलावरों के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक है। राष्ट्रपति वोसिक ने कहा कि हम अब किसी के लिए पंचिंग बैग नहीं बनने देंगे। दोस्तों, ये मिसाइलें जमीन से हवा में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। HQ-22 को चीन के पुराने HQ-2 मिसाइल को अपग्रेड कर बनाया गया है। इस मिसाइल के सिस्टम की रेंज 170 किलोमीटर है और इसका वजन 300 किलोग्राम और लंबाई 7 मीटर है। इसकी एक मिसाइल 180 किलोग्राम तक का वॉरहेड एक साथ ले जा सकती है। HQ-22 में सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल को दिशा दिखाने के लिए सेमी एक्टिव रडार, होमिंग और रेडियो कमांड गाइडलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। HQ-22 को चीन के जियांगन स्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। चीन ने इस मिसाइल सिस्टम को 2016 में जुहाई एयर शो में पहली बार सार्वजनिक रूप से FK-3 के उन्नत संस्करण के रूप में प्रदर्शित किया था। दोस्तों, यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पहले ही तनाव चरम पर है। इस बीच रूस के करीबी सर्बिया में चीनी मिसाइलों की मौजूदगी से अमेरिका और नेटो के सदस्य देशों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। चीन ने पिछले महीने ही गुपचुप तरीके से सर्बिया को HQ-22 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की थी। दोस्तों, चीन की इस हरकत से अमेरिका के होश उड़ गए हैं। उसे लगने लगा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस चीन की घातक मिसाइलों का इस्तेमाल सर्बिया के जरिए करा सकता है, जिससे युद्ध का नक्शा पलट सकता है। चीन के उस टेंशन से परेशान अमेरिकी अब रूस का साथ देने वाले या तटस्थ रहने वाले देशों पर अपनी खींच निकाल रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में मोदी सरकार के रुख से खफा अमेरिका। क्वाड में भारत का विकल्प बनाने की तैयारी।
दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों से तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका बार बार भारत को रूस से संबंध खत्म करने के लिए कह रहा है, लेकिन भारत उसकी एक नहीं सुन रहा, जिससे अमेरिका नाराज हो गया है। वो भारत को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे चुका है, चीन का नाम लेकर उसे हड़का चुका है, S-400 को लेकर प्रतिबंधों की घुड़की दे चुका है, लेकिन भारत ने भी दिखा दिया है कि वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है और उसे जो भी ठीक लगेगा वो वही करेगा। फिर चाहे अमेरिका नाराज हो या ब्रिटेन, भारत अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। चाहे मामला तेल और गैस की खरीद से जुड़ा हो या हथियारों की खरीदारी से, भारत का अपना अलग स्टैंड होगा। वो पाकिस्तान की तरह रबर स्टैंप नहीं बनेगा, जिसे जब चाहे जहां चाहे बिठा दिया जाए। भारत के इस रुख से पश्चिमी देश उससे नाराज चल रहे हैं और उसे सबक सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन भारत ने भी इन देशों को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत की इस तैयारी के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अमेरिका के मंसूबों के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने पीएम मोदी, एस जयशंकर समेत कई नेताओं के साथ मुलाकात के बाद भारत को रूस के साथ संबंधों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इससे रूस के खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंध कमजोर हो जाएंगे, वो भी तब जब अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान साफ कर दिया था कि उनकी वर्तमान रणनीति रूस के पूरी तरह से घेराबंदी है। इसके बाद भारत ने साफ कह दिया था कि अमेरिका के साथ दोस्ती जरूरी है, लेकिन वो रूस को नहीं छोड़ सकता। इससे नाराज बाइडेन सरकार की सुलग गई और वो चीन को घेरने वाले क्वाड संगठन के जरिए भारत को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ संक्षेप में बता देता हूँ कि क्वाड किस बला का नाम है। क्वाड चार देशों का संगठन है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इसे जापान और भारत ने मिलकर खड़ा किया है। ये संगठन समुद्र में चीन के बढ़ते कदम पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है। चीन भी कई बार इस संगठन की निंदा कर चुका है, इसे अपने खिलाफ साजिश बता चुका है। दरअसल अमेरिका और भारत दोनों इस संगठन के जरिए चीन को घेरना चाहते हैं, लिहाजा दोनों देशों का स्वार्थ इससे जुड़ा है और दोनों ही इस संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, जिससे कि चीन पर शिकंजा कसा जा सके। लेकिन अब अमेरिका भारत की जगह दक्षिण कोरिया को देना चाहता है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून ने ऐलान किया है कि उनका देश विस्तारित क्वाड का सदस्य बनने के लिए तैयार है। दक्षिण कोरिया के क्वाड में आने के बाद भी भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, पश्चिमी देशों के लिए भविष्य के लिहाज से रणनीतिक केंद्र बना रहेगा। यही वजह है कि पीएम मोदी के साथ हाल ही में बातचीत के दौरान बाइडेन ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी बनाने का प्रण लिया है। इस तरह से उन्होंने दोनों ही देशों के बीच संबंधों में आई तल्खी को खत्म करने की कोशिश की थी। दोस्तों, यहां आपको ये बता देता हूं कि ये अभी साफ नहीं है कि अमेरिका ऐसा कुछ करने जा रहा है। इसे लेकर केवल कयासों का बाजार गर्म है। दोस्तों, कहा ऐसा भी जा रहा है कि क्वाड देशों की बैठक से अलग बाइडेन और पीएम मोदी बैठक कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका भारत को रूस के हथियारों पर निर्भरता कम करने की पेशकश कर सकता है, उसे भरोसा दे सकता है कि वो रूस से सारे हथियारों की कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा पेच है, रूस भारत को हथियारों के साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता है। यही नहीं, उसके हथियार भी अमेरिका मुकाबले सस्ते होते हैं, लिहाजा अमेरिका के इस पेशकश को अपनाना भी भारत के लिए आसान नहीं है। दोस्तों, अगर अमेरिका क्वाड में भारत की जगह दक्षिण कोरिया को तवज्जो देता है, तो भारत ने भी उसे घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। उसने पहले ही ऑस्ट्रेलिया और जापान को यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी ओर कर लिया है। दोनों देशों ने इस युद्ध पर भारत का समर्थन भी किया है और उसकी तटस्थ नीति को जायज बताया है। लिहाजा अगर अमेरिका ऐसा कोई कदम उठाता भी है, तो भारत अपनी बात मजबूती से रख सकता है और अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। यही नहीं, भारत ने अमेरिका से इतर दूसरे यूरोपीय देशों से भी संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी जर्मनी, फ्रांस की यात्रा पर गए हैं और उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अगर अमेरिका उनके खिलाफ कोई एक्शन उठाता है तो वो अकेला पड़ जाए और यूरोप के बाकी देश उसका साथ ना दे। दोस्तों, पीएम मोदी सियासत के माहिर है और बाइडेन उनके आगे बच्चे हैं। अगर बाइडेन डाल हैं तो मोदी पात हैं। लिहाजा कहने में गुरेज नहीं है कि अगर अमेरिका भारत के खिलाफ कुछ करने की कोशिश भी करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी।